वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी टीचर कैप्सूल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाल विकास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में यह आपकी पार्ट 6 लेकर आया हूं मैं आपको। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो में सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही मन से देखेंगे, बहुत ही मन से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी टीचर कैप्सूल चैनल पर आप सभी लोगों को शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी वीडियो है, जो भी मटेरियल, वो सारे के सारे जानकारियां आपको टीचर कैप्सूल चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी शिक्षक भर्ती हेतु है, ये आपकी टीचर कैप्सूल चैनल। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, नवोदय, डीएसएसबी के एग्जाम के बारे में सारी की सारी जानकारी एक विधिवत ढंग से, एक विधिवत बहुत ही अच्छे मटेरियल के रूप में आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नाम है भाई मोहन सोनी। ठीक है, आइए, समय बहुत कीमती है, हम लोग ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी लोगों को व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, साथियों व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट या डिफरेंट तरह के जो डीएसएसबी हैं या अन्य कोई एग्जाम जो कराता है, उसमें जितने भी व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन का पूछा गया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहां से निकाल कर आपके इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। अब सोच सकते हैं मैंने कितनी किताबों का अध्ययन किया होगा, उसके बाद मैं आप सभी लोगों के सामने ये ढेर सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ले आया। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों, ये पिछली बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत ही मन से क्वेश्चन को देखेंगे। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन ए पर्सोनिया से, ऑप्शन बी पर्सोन से, ऑप्शन सी पर्सनल से एंड ऑप्शन डी पर्सोना से। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर्सोना। पर्सोना शब्द से ही पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दस्ताने, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी नकाब एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नकाब। नकाब का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका पर्सोना, यानी कि पर्सोना को क्या बोलते हैं हम लोग, नकाब। ठीक है साथियों, एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए पर्सन, ऑप्शन बी पर्सोना, ऑप्शन सी कुआ एंड ऑप्शन डी पर्सनल। तो साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए रिपोर्ट हुआ है क्योंकि ये इसी लैंग्वेज में, लैंग्वेज भाषा चेंज करके ये पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनालिटी व्यक्तित्व, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा आपको यूपी टेट, सी टेट या कोई भी आप शिक्षक भर्ती से संबंधित पेपर में बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर्सोना। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, एक क्वेश्चन तो यही से यही बन रहा है। पूछा जाता है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, लैटिन, फ्रांस, जर्मनी एंड इंडियन, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठेगा आपका क्या, लैटिन भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैटिन भाषा के पर्सोना का अर्थ क्या है। ये देखिए साथियों, भाषा को बदल बदल कर ये तरह के क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग बहुत मन से ये सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। लैटिन भाषा के पर्सोना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी मुखौटा एंड ऑप्शन डी अपूर्व। तो यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुखौटा। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन में मुखौटा दिया गया था, जबकि इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था आपका, नकाब, है ना। तो इसलिए शब्द को फेर बदल करके उसने उसी क्वेश्चन को बार बार पूछा है, समझ में रहा है। यानी कि नकाब आ जाए तब भी आंसर माना जाएगा, मुखौटा आ जाए तब भी आंसर माना जाएगा, है ना। पर्सोना का अर्थ होता है आपका मुखौटा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं। मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इरोस, ऑप्शन बी थैंटोस, ऑप्शन सी लिबिडो एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा पांचवे क्वेश्चन का आपका, वो होगा आपका क्या, थैंटोस। थैंटोस है ना, थैंटोस यहां पर करेक्ट आंसर बैठेगा, मूल प्रवृत्ति का अन्य नाम थैंटोस है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है ऑप्शन ए
जैविक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी जैव रसायन एंड ऑप्शन डी मनोशारीरिक। तो यहां पर क्या होगा, व्यक्तित्व की धारणा का यानी कि मनोशारीरिक, है ना। व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो तो एक तो मनो यानी कि जो आपकी इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, जो दिखती नहीं है, वो एक तो होती है एक्सटर्नल जो सामने दिखती है ना। पर्सनालिटी हम लोग बोलते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है यानी कि अगर कोई व्यक्ति देखने में सुडौल लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, एक हृष्टपुष्ट शरीर है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं अच्छा व्यक्तित्व, तो इसका पर्सनालिटी इसकी अच्छी है। हम लोग नहीं बोलते ना, लड़का देखता है लड़की को तो बोलता है इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, या लड़की लड़के को देखती बोलती है इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। एक तो जो सामने हमें दिख रहा है शारीरिक रूप से दिख रहा है, एक तो वो भी पर्सनालिटी है। एक जो इंटरनल, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि विकलांग है, दिव्यांग है, पर उनका स्वभाव, उनका नेचर, एक आईएएस पीसीएस रहते तो वो बोलते हैं ये कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, हम लोगों के सामने कितनी अच्छी पर्सनालिटी आई, यानी कि कितना अच्छा व्यक्तित्व है, यानी कि वो मनो इंटरनल, इंटरनल रूप से वो अच्छा है, ठीक है। तो व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनालिटी के अंतर्गत इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि मनो और शारीरिक दोनों ही गुणों का समावेशन होता है, ठीक है साथियों। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन ए स्वभाव, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी आदत एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथ में का देखो क्या होगा, या व्यक्तित्व में मैंने बोला उसको स्वभाव अगर अच्छा होगा तब भी वो व्यक्तित्व का धनी होगा, चरित्र सही होगा, करेक्टर उसका सही होगा, फिर भी वो है व्यक्तित्व का धनी माना जाएगा, उसका आदत बिहेवियर हैबिट उसकी अगर अच्छी रहती है तब भी वो व्यक्तित्व का धनी होता है, यानी कि तीनों के तीनों चीजें आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों। एक अगला क्वेश्चन, ये देखिए साथियों कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आप लोग इस जो 500 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इस टीचर कैप्सूल चैनल पर, आप लोग उसको बहुत ही विश्वास से आप लोग 500 क्वेश्चन को हल करिए, ईमानदारी से वो सारे के सारे क्वेश्चन को हल करिए। आपको स्वयं इस बात का एहसास होने लगेगा कि सर अब बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी से अब हमारे कोई भी क्वेश्चन रहने वाले नहीं है ना। मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन का संग्रह आपको इस 500 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम, ऑप्शन ए प्रारूप उपागम, ऑप्शन बी विशेषक उपागम, ऑप्शन सी ए तथा बी एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 8वें का करेक्ट आंसर होगा प्रारूप उपागम और विशेषक उपागम, ये दोनों की दोनों व्यक्तित्व के अध्ययन को उपागम, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मनोदैहिक, मनोदैहिक संगठन होना निम्नलिखित का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी अवधान का, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का एंड ऑप्शन डी अभिवृत्ति। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बता चुकी है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया था केवल, पर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या व्यक्तित्व। मैंने आपको बोला ना व्यक्तित्व के अंतर्गत मनो मतलब इंटरनल, दैहिक मतलब एक्सटर्नल, मनो मतलब जो दिखता है जो नहीं दिखता है, और दैहिक मतलब जो दिखता है ना, मतलब मन से और शरीर से, दैहिक मतलब शरीर से संगठन का होना किसके अंतर्गत निहित होता है, आपका व्यक्तित्व के अंदर। आपका व्यक्तित्व तभी अच्छा माना जाता है जब आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से अच्छे होते हैं, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, अनेक कारकों से प्रभावित होना तथा पर्यावरण से समायोजन, ये दो विशेषताएं कौन कौन सी, अनेक कारकों से प्रभावित होना तथा पर्यावरण से समायोजन, ये दो विशेषताएं निम्नलिखित की हैं। ऑप्शन ए वृद्धि और विकास की है, ये वाली बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी व्यक्तित्व की, हाँ इस चीज की आपकी है, है ना। व्यक्तित्व आपका होता है अनेक कारकों से इफेक्टेड होता है, पर्यावरण से भी व्यक्तित्व आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें का करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, बी व्यक्तित्व। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। अंतर्मुखी बालक बेबालक होते हैं जो अपने अंदर ही अंदर एक जगह बैठे रहते हैं, अंदर ही अंदर मनन करते रहते हैं, है ना, वो लोग होते हैं। बहिर्मुखी क्या रहते हैं, जो आपके सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य में भागदान वो योगदान देते हैं, और वो आपके बहिर्मुखी होते हैं ना, बहिर्मुखी होते हैं जो आपके एकदम हसमुख रहते हैं, खुले खुले से रहते हैं, एकदम बढ़िया सभी लोगों के साथ में घुलमिल जाते हैं, उन्हें हम बहिर्मुखी वाला कहते हैं। उभयमुखी आपका हो गया जिसके अंदर ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो गुण पाए जाते हैं वो उभयमुखी हो गया। नामक वर्ग किस प्रकार के व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित है, ऑप्शन ए शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संबंधी भिन्नता, ऑप्शन सी मानसिक भिन्नता एंड ऑप्शन डी रुचि संबंधी भिन्नता।
तो जो 11वां होता है वो होता है उसका करेक्ट आंसर व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता, है ना। व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता ये अंतर्मुखी और उभयमुखी नामक वर्ग में पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्तित्व के स्वरूपों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्तित्व के स्वरूपों को स्पष्ट करता है। आप लोग एक बार ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग अंदर ही अपना आंसर निकालिए, फिर हम भी आपको बताते हैं। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का निर्माण बुद्धि से होता है। ऑप्शन बी, तार्किक योग्यता से व्यक्तित्व है। ऑप्शन सी, बाहरी शारीरिक प्रदर्शन ही व्यक्तित्व है। एंड ऑप्शन डी, व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय ही व्यक्ति है, व्यक्तित्व है ना। व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व है। यहाँ व्यक्तित्व कर लिया, व्यक्तित्व है। तो 12वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति के समग्र गुणों का। ये वर्ड आपका सबसे अच्छा है, इसी की वजह से आपका ये वाला आंसर निकला है। व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व है ना। यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन है आपके, ये सीमित है ऑप्शन, इनमें सीमित जानकारी दी गई। इसमें केवल बुद्धि को ले लिया गया, इसमें तार्किक योग्यता से व्यक्तित्व है, यहाँ पर केवल ये ले लिया, यहाँ पर बाहरी शारीरिक ले लिया, केवल बाहरी शारीरिक। पर इसमें क्या है, समग्र गुण, व्यक्ति के जो समग्र गुण है उनका समन्वय ही व्यक्तित्व है। समझ में आया, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सबसे अच्छा हो जाता है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। साथियों मैं आपको बता दूं, बाल विकास का एक और फंडा रहता है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपको सही लग सकते हैं। आप लोगों को लगेगा सर ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। हाँ दोस्तों, एकदम सही सोच रहे हैं, पर बात यहाँ पर ये आती है कि उन दो ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, आप लोगों को उस ऑप्शन का चयन करना है। आप लोग सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, पर ये देखना है आपको कि उन चार ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, आप लोगों को उस बेहतर को चुनना है। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के मापन का अर्थ है व्यक्तित्व में कौन सा यह कितनी मात्रा में है। समझ रहा है, व्यक्तित्व के मापन का अर्थ है कि व्यक्तित्व में कौन सा यह कितनी मात्रा में है। ऑप्शन ए विशेषक, ऑप्शन बी प्रकार, ऑप्शन सी गुण एंड ऑप्शन डी उपयोग, तीनों। तो जो 13वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, गुण। या गुणों से ही तो व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है ना, कि व्यक्तित्व के मापन का अर्थ है व्यक्तित्व में कौन सा गुण कितनी मात्रा में है, इससे आपका व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गुण हो जाएगा। 14वां देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियों में, व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियों में विषय ही अपने तथ्यों को छिपा सकते हैं, अतः वे होते हैं ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी अविश्वसनीय, ऑप्शन सी अव्यवहारिक एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 14वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय है ना, व्यक्तित्व मापन के निरपेक्षण विधियों में विषय ही अपने तथ्यों को अगर छिपाता है तो वो अविश्वसनीय होता है। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि, ये भाई साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, विधियां आपको दे रखी होंगी और उसमें पूछा जाएगा ये प्रक्षेपण विधि है या प्रेक्षण विधि है ना। हम आपको बताएंगे व्यक्तित्व मापन की, एक मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें जितनी भी व्यक्तित्व मापन की विधियां दी गई हैं वहां पर, है ना, व्यक्तित्व मापन की वो सारी की सारी विधि मैं आपके एक वीडियो में डाल दूंगा। तो वहां पर दिया होगा कि ये विधि आपकी प्रक्षेपण विधि है या फिर ये आपकी अप्रेक्षण विधि है, है ना। चलिए देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों में व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन की क्षमता होती है, अतः इनके लिए परीक्षणकर्ता में इनकी आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए ज्ञान की, ऑप्शन बी अध्ययन की, ऑप्शन सी आस्था एंड ऑप्शन डी प्रशिक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रशिक्षण। ये देखिए हम आपको बताते हैं, व्यक्तित्व मापन के प्रशिक्षण विधियों, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन की क्षमता होती है, अतः इनके लिए परीक्षणकर्ता, जो परीक्षण करता है, जो इन्वेंशन करता है, जो खोज करता होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए ना। प्रशिक्षण के माध्यम से ही वह व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधियों और व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन कर सकता है। समझ में आया, व्यक्ति के यदि अचेतन मन का अध्ययन करना है आपको तो फिर उसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूर होगी, है ना। समझ में आया, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 16। जीवन मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं। ये देखिए दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, आप लोग इसमें डबल स्टार बना के रखिए। जीवन मूल प्रवृत्ति, ये शब्द आप लोग याद रखिए, जीवन
मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए इरोस, ऑप्शन बी थैंटोस, ऑप्शन सी लिबिडो एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, इरोस। एक क्वेश्चन तो ये था जीवन मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं, इरोस। एक क्वेश्चन ऊपर और देख लेते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति वाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऊपर दिया है, अभी बताते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग अलर्ट रहिए, अलर्ट। अगर आपको मूल प्रवृत्ति शब्द केवल आ जाए, मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं, पांचवा क्वेश्चन है ये वाला, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो फिर आपका आंसर होता है थैंटोस। केवल मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं, थैंटोस। और यदि जीवन मूल प्रवृत्ति आ जाए, ये देखिए क्वेश्चन कहां पर है, ये जीवन मूल प्रवृत्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इरोस। ठीक है ना, यहाँ पर अलर्ट लिख लीजिए, यानी कि सावधान रहना है ऊपर वाले क्वेश्चन से। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एक जगह लिख सकते हैं अपने नोट्स में। जीवन मूल प्रवृत्ति अगर आता है तो फिर इरोस आंसर होगा, केवल मूल प्रवृत्ति आता है तो फिर आपका होगा क्या, थैंटोस। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां नंबर, अत्यक्ता अवस्था में आयु स्थिर है, अत्यक्ता अवस्था में आयु स्थिर है। ऑप्शन ए 3 से 5-6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 13 निरंतर, 7 से 8 वर्ष तक। तो 17वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 6 से 12 वर्ष तक, है ना, 6 से 12 वर्ष तक। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरों जैसे आंधी, तूफान, भूकंप आदि से होने वाली चिंता किस पक्ष की है? वास्तविक चिंता है या नैतिक चिंता है या फिर तंत्र का तापी चिंता या फिर रेखीय चिंता है? तो साथियों जो 18 का है वो है आपका वास्तविक चिंता। ये चिंता आपकी रियल चिंता है ना, वास्तविक चिंता है आपकी। वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरे जैसे आंधी, तूफान, भूकंप आदि होती है, जो चिंता होती है वो आपकी वास्तविक चिंता होती है। देखिए कैसे क्वेश्चन ये पूछे गए एग्जाम में, अब क्या किया जाएगा, पूछे हैं तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते 19वां नंबर, फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में लैंगिक ऊर्जा को प्रमुख स्थान देते हुए निम्न मनोलैंगिक अवस्था बताती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास में कितनी मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास में लैंगिक ऊर्जा को प्रमुख स्थान दिया है और उन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाएं कितनी बताई, 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, गुदा अवस्था में कामुकता क्षेत्र होता है, गुदा अवस्था में कामुकता क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी गुदा, ऑप्शन सी स्नेह एंड ऑप्शन डी सुंदरता। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गुदा। गुदा में, गुदा अवस्था में कामुकता क्षेत्र क्या होता है, गुदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, जननेन्द्रीय अवस्था लैंगिक विकास की अवस्था है, जननेन्द्रीय अवस्था जो होती है वो लैंगिक विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी अंतिम। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अंतिम अवस्था है ये वाली, है ना, जननेन्द्रीय अवस्था लैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व निर्धारण की प्रश्नावली विधि किसके अंतर्गत आती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, है ना, इस तरह से बहुत सारी विधियां आती हैं और आप लोगों को ये हम सब आपको लिखवा देंगे। प्रक्षेपण विधि, आत्मनिष्ठ विधि, ये सारे की सारी विधियां हम एक जगह आपको लिखवाएंगे और फिर मैं आपको किस तरह से वहां पर कंफ्यूज कहां पे होता है हम आपको बताते चलेंगे और आप लोग वहां पे अलर्ट रहना, सावधान रहना। मैं आपको सारी की सारी व्यक्तित्व पर्सनालिटी की जो विधि है वो सब एक जगह लिखवा के हम आपको याद करवाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं जो पेपर में आ गए हैं, आप लोगों को एक बार पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ना, जिससे कि आप लोगों को टेंशन नहीं हो। 22 देखते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यक्तित्व निर्धारण की प्रश्नावली विधि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी प्रक्षेपण विधि एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो 22वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, वस्तुनिष्ठ विधि। यानी कि व्यक्तित्व निर्धारण की जो प्रश्नावली विधि है वो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है ना, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत प्रश्नावली विधि आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23,
व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ वृद्धियों में निम्नलिखित प्रमुख है, ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये ऊपर के ये वाला और ऊपर वाला ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत सावधानी से इसको पढ़िएगा, बहुत मन से पढ़ना। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ वृद्धियों में निम्नलिखित में से प्रमुख है, ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 23 का आपका क्या है, आत्मकथा और प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये तीनों की तीनों जो मापन विधियां हैं ये आपकी आत्मनिष्ठ विधियां हैं, है ना, ये तीनों के आत्मकथा साक्षात्कार प्रश्नावली ये तीनों के तीनों ही आपकी आत्मनिष्ठ विधियों में आती है, और ये तीनों किसकी है, व्यक्तित्व मापन की मेथड है, व्यक्तित्व मापन की विधि है जो कि आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आता है। इसका मतलब केवल ये हुआ, जैसे साक्षात्कार हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ एक बार आप लोग हमें ये बताइए, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है साक्षात्कार के लिए, यही तो होता है, हम लोगों की पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है, हम लोगों के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है कि ये जो व्यक्ति हमारे पास में बैठा हुआ है इसमें क्या रहता है, पांच लोग बैठे हैं, एक आपका सामाजिक क्षेत्र का क्वेश्चन पूछेगा, एक आपका सांस्कृतिक क्षेत्र का क्वेश्चन पूछेगा, एक आपका आर्थिक क्षेत्र से बैठा होगा, एक आपका राजनीतिक क्षेत्र से बैठा होगा, है ना, तो इस तरह से ये सभी लोग अपने तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपके अपने अपने क्षेत्र के पूछते हैं और आप लोग उसका उत्तर देते हैं, और उसी उत्तर से उसी आपके बातों से आप लोगों का वो व्यक्तित्व आपका आकलन किया जाता है, आपके पर्सनालिटी के बारे में वो लोग आकलन करते हैं। आईएएस का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, इसमें आपका जो इंटरव्यू रहता है, यानी कि इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, व्यक्तित्व परीक्षण, साक्षात्कार क्या रहता है, इससे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है साथियों। तो यही पूछा जाता है कि जो साक्षात्कार होता है, इंटरनल होता है, वो इंटरव्यू होता है, वो आपकी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है ना। प्रश्नावली विधि, जैसे कोई क्वेश्चन होता है क्लास में कि राम के पिताजी का नाम, तो फिर क्या हुआ, ये क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली विधि हो गई है, तो ये भी आपकी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सा है, देख रहे कितना कष्टपूर्ण करता है, ये बहुत पेपर में आता है, इसको भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन आता है, वो तो आपकी आत्मनिष्ठ विधि थी, ये वाली आत्मनिष्ठ विधि थी, अभी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, कौन कौन सी है, ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी निर्धारित मापनी, ऑप्शन सी समाजमिति एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, निरीक्षण विधि, निर्धारित मापनी विधि और समाजमिति विधि, ये तीनों के तीनों आपकी किसमें आती है, आपकी तीनों के तीनों आपकी ये आती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधियों में। ये देखिए साथियों, आप लोग लिख लीजिए साइड से अपना नोट्स बना के कि आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या क्या होता है, आत्मकथा, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये तीनों ही आपकी आत्मनिष्ठ विधियां हैं, और निरीक्षण, निर्धारित मापनी और समाजमिति विधि, ये आपकी कौन सी विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां, है ना। ये बहुत पूछा जाता है, इतने बार पूछा जाएगा, ये पेपर में दिया जाएगा कि आत्मकथा विधि किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, या फिर आपकी बुद्धि से संबंधित है, या फिर आपकी किसी और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप करेक्ट आंसर चुनेंगे व्यक्तित्व, ये सारी की सारी व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है, और व्यक्तित्व के अंदर भी क्या होता है, आत्मकथा, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब आपके आत्मनिष्ठ के अंदर आतेंगे, और निरीक्षण, निर्धारित मापनी, समाजमिति, ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया साथियों, ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप लोगों से निवेदन है, प्लीज साथियों, अभी तक जो भी यार इस चैनल पर नया है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक जिसने भी नहीं किया है, और आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इतना अत्याचार आप लोग मेरे साथ मत करिए, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, पानी नहीं पी पाते अभी तक समझ लो, क्योंकि आप पानी पिएंगे तो फिर वीडियो रुक जाएगा, आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ में प्रॉब्लम आ गई क्या है, इसलिए पूरा आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, और ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, ढेर सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन को निकाल कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो आप लोग इतना तो कम से कम जुलम मत ढाइए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, कितना ऐसे केवल उंगली रखनी है, ऐसे लाइक हो जाएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आप लोग वो बेल आइकन दबा दीजिए ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी हमें कमेंट देना चाहते हैं आप लोग कमेंट देख सकते हैं, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, और आप हमारी मेहनत आप लोगों के पास किस हद तक पहुंच रही है, इस बात का आकलन केवल लाइक और कमेंट ही करता है, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप लोग विशेष रूप से जिम्मेदारी निभाएंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं हमारे सब लोग, टीचर कैप्सूल चैनल पर जो भी आपका जुड़ जाता है, जो भी देखता है, वो सारे के सारे हमारे परिवार के सदस्य माने जाते हैं। आइए 25 नंबर देखते हैं,
व्यक्ति मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी है? ये देखिए यार, अब क्या बताऊं, कहां कहां लिखूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार। इतने बार पूछा गया, जब मैं आप लोगों की तरह टेट का एग्जाम देती थी, सी टेट का एग्जाम देती थी, इतने बार पूछा गया, मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट लगा के देखे, ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट होते रहते, बराबर हर साल एक साल छोड़ छोड़ के या फिर हर अगली साल ये क्वेश्चन डालते रहता है वो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत मन से आप लोग पढ़ेंगे, पूरा वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियां कौन सी है? ऑप्शन ए मुक्त साहचर, ऑप्शन बी स्वप्न विश्लेषण, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 25 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका मुक्त साहचर विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, ये दोनों के ही दोनों विधि आपकी मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप लोग ये वीडियो डाउनलोड करके रखिए, और नहीं रख सकते तो आप लोग एक प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए। हम आपको बता रहे हैं ये सारे 500 क्वेश्चन केवल आपको लिखने हैं, 500 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए बाल विकास के। आप लोग कोई भी पेपर देने के लिए चले जाइए, DSSB का देने चले जाइए आप लोग, या फिर आपका नवोदय विद्यालय देना है वो दे लीजिए आप लोग, आप लोग KVS का दे सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय वाले होते हैं वो, सारे के सारे आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आप लोग, बाल विकास से आपको समस्या बिल्कुल होने वाली नहीं होगी, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हमने ये क्वेश्चन आपके इकट्ठे किए हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। व्यक्ति के स्वप्नों के विश्लेषण तथा मुक्त साहचर्यों द्वारा किए गए व्यक्ति के अध्ययन की विधि को कहते हैं? ऑप्शन ए आरोपणात्मक विधि, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी जीवन वृत्त विधि, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, मनोविश्लेषणात्मक विधि, यानी व्यक्ति के जो स्वप्नों का विश्लेषण होता है तथा मुक्त साहचर्य द्वारा किए गए व्यक्ति के अध्ययन। आप लोग स्वप्नों के विश्लेषण करेंगे तो वो क्या होगा आपका, मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन। अरे यार इतना महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला, क्या बताऊं तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए तुम, और एक आध दो बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, एक दो बार वो भी लिख लीजिए आप, जितने बार जितना इंपॉर्टेंट माने। हमें ऐसा लगता है ये पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, सबसे महत्वपूर्ण इतना चर्चित क्वेश्चन है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन कौन है? ऑप्शन ए हरमन रोसा जी, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड जी, ऑप्शन डी एडलर, एंड ऑप्शन डी एन एल मन ने। तो 27वां का जो करेक्ट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड महोदय जी आपके मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बना जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक विधि किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, या फिर अन्य दो ऑप्शन और हो सकते हैं ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वहां पर क्या, व्यक्तित्व है। साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, कैसा आप लोगों को पढ़ाना लग रहा है, आवाज में कोई समस्या तो नहीं रही किसी भी तरह की, या फिर हम जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, धीमे तो नहीं बोल रहे हैं, कोई भी आपको बात लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यार आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही हम लोग अपने आप को सुधार करते हैं, है ना, दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ, दुगना अच्छा मटेरियल के साथ आप लोगों के सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत होने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग लाइक कमेंट अगर हमें नहीं देंगे तो मैं अपने पढ़ाने का किस तरह से आकलन होगा, किस तरह से मैं मूल्यांकन मेरा हो पाएगा, किस तरह से मुझे फीडबैक मिलेगा, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी आप लोग निभा सकते हैं। आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बेहतर से बेहतर मटेरियल लाऊंगा। आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए आप लोग, वो क्या नाम, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी करना हो आपको। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रक्षेपण विधि मापन करता है, प्रक्षेपण विधि जो होती है वो मापन करता है। देखिए हमने बोला था ये क्वेश्चन आ गया यहीं पर, यार ऐसे पूछा जाता है तभी मैंने वहां पर बोला, मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, यही दे दिया जाएगा प्रक्षेपण विधि मापन करता है, या प्रक्षेपण विधि से किस चीज का आकलन किया जाता है, बुद्धि का, ऑप्शन बी रुचि का, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का, ऑप्शन डी उपलब्धि का। आपने छूटते ही बोला कि सर प्रक्षेपण विधि तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, इससे तो पर्सनालिटी की आकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, व्यक्तित्व प्रक्षेपण विधि जो होती है वो आपकी व्यक्तित्व का मापन करती है। साथियों समझ में आ रहा है? ओके, आप लोग अभी तक अपने व्हाट्सएप को बंद करके रखा है, कितने SMS आ रहे होंगे आप लोगों में, ये आपका वास्तव में बहुत बड़ा आपने सर्वस्व निछावर कर दिया। इतना समय, महत्वपूर्ण समय जो आपका इंस्टाग्राम फेसबुक वाला, वो समय आप अपने इस वीडियो में दे रहे हैं, निश्चित ही आप लोग
नौकरी के पात्र हैं, आप लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी भावनाओं को आप लोग बस में करना सीख गए। धन्यवाद, हम आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि सारे एडसमस व्हाट्सएप के आपके डले हुए आप लोग उसको सीन नहीं कर रहे हैं। सही है, ये पूरा वीडियो बस और 2 मिनट का बच्चा है, आप लोग इसको और देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन और इसमें है, उसके बाद फिर खूब अच्छे से व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, रेस्ट कर लेना, उसके बाद फिर से जो भी मटेरियल टीचर के फुल चैनल पर आपको आए आप लोग उसको फिर से देखना। आइए, ये तो खैर बात थी, हम लोग काम की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की आरोपण विधि है। व्यक्तित्व मापन की जो आरोपण विधि है वो स्वप्न विश्लेषण विधि है या साक्षात्कार विधि है या आपकी रोसर शायदब्बा परीक्षण है या फिर डी कोई नहीं। तो 29 का जो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, है ना साथियों। मैं आपको बता दूं ये रोसा स्याही धब्बा परीक्षण इसलिए है, एक आपके थे मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा। कौन थे आपके? हरमन रोसा। हरमन रोसा महोदय जी ने व्यक्तित्व से संबंधित अपने कुछ परीक्षण किए थे, उसी में से एक परीक्षण इनका है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जो कि बहुत चर्चित है, है ना। तो ये रोसा स्याही धब्बा परीक्षण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हरमन रोसा महोदय जी व्यक्ति थे आपके, उन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, उन्हीं के नाम पर रोसा शायद परीक्षण नाम दिया गया। एक 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपण विधियों में निम्नलिखित विधि है। ये देखिए प्रक्षेपण विधि कायदे से ये पूछना चाहता है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि कौन सी है। ऑप्शन ए रोसा या शायद परीक्षण, ऑप्शन बी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, ऑप्शन सी बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 30वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, रोसा स्याही परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, है ना। ये तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपण विधि हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये लिख लीजिए, तीनों के तीनों आपके कौन से हैं, ये आपके प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आते हैं। प्रक्षेपण विधि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कैट, कैट परीक्षण भी बोलते हैं, कैट कैट बोलते हैं इसको, है ना। कैट कैट भी बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कैट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है, है ना, या फिर कैट परीक्षण जो होता है वो कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, प्रक्षेपण विधि या प्रेक्षण पर विधि। तो आप छूटते ही आंसर मारेंगे प्रक्षेपण विधि, ठीक है साथियों, समझ में आया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 31वां क्वेश्चन है आपका, खेल या नाटक विधि। खेल या नाटक विधि व्यक्तित्व परीक्षण की किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ निरपेक्षण विधि, ऑप्शन बी प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन सी, ये दोनों सेम हो गए ना, कोई बात नहीं, प्रक्षेपण विधि प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर तो केवल एक ही आएगा आपका पेपर में। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रक्षेपण विधि। जो खेल या नाटक विधि होती है जो व्यक्तित्व के परीक्षण हेतु की जाती है, खेल या नाटक विधि, वो आपकी कौन सी विधि है? आपकी प्रक्षेपण विधि। साथियों ये सारी की सारी विधियों को आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, सारी की सारी विधियों को आप लोग एक A4 साइज में पेपर में आप लोग नोट्स में लिख लीजिए यार, बहुत पूछी जाती है, इतनी बार रिपीट किया जाता है और ये कंफ्यूजन भरा है। आप लोग खुद सोच रहे होंगे प्रक्षेपण अप्रक्षेपण ये क्या सब क्या लगा के रखा है सर आपने। दोस्तों ये आप लोग एक जगह लिख लीजिए, आप लोग अपने पेपर में जाने से पहले 2-5 दिन पहले एक बार रिविजन कर लिया करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। यार पेपर में पूछी गई क्वेश्चन यार इतने बार रिपीट होते हैं, बहुत बार, और ये पर्सनैलिटी टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व। 32वां देखते हैं क्वेश्चन, खेल व नाटक द्वारा व्यक्ति परीक्षण की विधि। ऑप्शन ए मोरेनो, यानी कि खेल व नाटक विधि जो है वो उसका प्रतिपादक या प्रवर्तक उसका कौन है? ऑप्शन ए मोरेनो, ऑप्शन बी वेलक, ऑप्शन सी मुरे एंड ऑप्शन डी मॉर्गन, है ना। तो 32वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मोरेनो। खेल व नाटक विधि का जो परीक्षण दिया था प्रवर्तक जो थे वो आपके कौन थे? मोरेनो महोदय जी ने खेल व नाटक व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया था। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां नंबर, खेल व नाटक व्यक्तित्व परीक्षण विधि का प्रयोग मोरेनो ने, है ना, मोरेनो ने किन के निदान हेतु किया है? ऑप्शन ए मनोरोगों के मनस्ताप, ऑप्शन बी विकलांगों, ऑप्शन सी मूक बधिर एंड ऑप्शन डी मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो 33वां का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या? मनोरोगों के मनस्ताप। मनोरोगों के मनस्ताप के लिए खेल व नाटक विधि का प्रतिपादन मोरेनो महोदय जी ने व्यक्तित्व परीक्षण हेतु किया था, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34वां क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का,
आप लोगों से निवेदन है फिर से दोस्तों, प्लीज साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग इतना केवल कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से आपको व्हाट्सअप देखना पड़ेगा, आप लोग जैसे वीडियो पूरा होगा आप लोग अपने व्हाट्सअप को खुल के बैठ जाएंगे। सही बात है, SMS आ रहे होंगे, पता है किसके आ रहे होंगे। चलिए जल्दी से लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे ही हम शिक्षक से संबंधित जो भी जानकारी डालते हैं या जो भी शासन या प्रशासन से जो भी जानकारी हमारे पास आती है, विज्ञप्ति आती है, हम उसको तुरंत इसमें डालते हैं और वो चीज आपके पास पहुंच सके, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि शिक्षक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे वो आपको लगभग उसी टाइम पे आपको पता चल जाना चाहिए। पता चला मैंने आज विज्ञप्ति डाली, आज कोई जानकारी डाली, आपको 4 दिन बाद आप वीडियो खोल के देख रहे हैं तो फिर गलत बात है ना। तो आप लोग बेल आइकन दबाएंगे तो बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर तुरंत वो जानकारी पहुंच जाएगी। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। समाज मिति किसी व्यक्ति के निम्नांकित का मापन समूह में परस्पर संबंधों के आधार पर किया जाता है। जो समाज मिति किसी व्यक्ति के निम्नांकित का मापन समूह में परस्पर संबंधों के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन विशेषकों, ऑप्शन बी सामाजिक गुणों, ऑप्शन सी प्रकारों एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो 34वां का आपका जो सही उत्तर होगा, अरे यार ये समाज मिति के बारे में बात चल रहे हो ना, तो समाज मिति किसी व्यक्ति के निम्नांकित मापन समूह है, किसके संबंधित बात करेगा, समाज मिति से है तुम्हारी सामाजिक गुणों से संबंधित, इसका उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने टीचर कैप्सूल चैनल पर इतना प्यार दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्लीज दोस्तों ऐसे आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की आपकी बेल आइकन दबी बनी होगी घंटी, जैसे आप इसको पुश करेंगे इसके साइड ऐसे ऐसे हो जाएगा, टोपी सी लग जाएगी, है ना, तो समझ लेना हाँ बेल आइकन दब गया, बेल आइकन पुश हो गया। फिर आप लोग जब भी वीडियो को देखेंगे फिर आपको नहीं दबाना, केवल ये काम आपको सब्सक्राइब वाला और बेल आइकन वाला काम ये केवल आपको एक बार करना होता है टीचर कैप्सूल चैनल पर, है ना, बार बार नहीं करना होता, एक बार कर दीजिए फुर्सत। ठीक है दोस्तों, टीचर कैप्सूल चैनल पर मोहन सोनी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।